नमस्कार, ज्ञान भी वरदान भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जेतू सिंह। मृत आत्मा की अस्थियों को क्यों गंगा जी में विसर्जित किया जाता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्योंकि पंच तत्व में जब आपका शरीर विलीन होता है, उसके बाद अस्थियों को, जिसे फूल भी कहा जाता है, उन्हें गंगा जी में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? चलिए इस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। गंगा को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। मां गंगा को स्वर्ग की नदी भी माना जाता है। इसे भागीरथ ने अपनी तपस्या से धरती पर लाया था, जो कि समुद्र में जाकर मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि जब मृत आत्मा की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं, तो पितरों को सीधे स्वर्ग में जगह प्राप्त होती है। तो ये था रहस्य, पंच तत्व में विलीन होने के बाद अस्थियों का यानी फूलों का गंगा जी में प्रवाहित करना। ज्ञान भी वरदान भी में हम हमेशा आपके लिए ज्ञान से भरी हुई बातें लेकर के आते हैं, लेकिन आपने ये सारी जानकारी दूसरों तक जरूर पहुंचानी है। अगली वीडियो में और कुछ खास, तब तक के लिए नमस्कार।